अब हम देखेंगे कि नेस्टेड इफ एल्स स्टेटमेंट क्या होते हैं। तो अब एक सिंपल प्रोग्राम लेंगे हम मार्क्स का और उसके थ्रू देखेंगे कि नेस्टेड इफ एल्स कैसे यूज करते हैं। तो हम एक मार्क वेरिएबल क्रिएट कर लेंगे और उसको अभी टेम्पररी पोल्ट्री मार्क्स असाइन कर देंगे, और फिर हमारा एक इफ स्टेटमेंट ले लेंगे और इफ स्टेटमेंट में लिख देंगे अगर हमारे मार्क्स जो हो वो 35 से ज्यादा हो तो हम हो जाएंगे पास। कंसोल डॉट लॉग हम हो जाएंगे पास, और अगर ऐसा नहीं है तो एल स्टेटमेंट यूज होगी, उसमें प्रिंट हो जाएगा कंसोल डॉट लॉग, यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा हमारा फेल। अब क्या करेंगे अगर यहाँ पे और हम इफ कंडीशन लेंगे इफ कंडीशन के अंदर, और अगर हमारे मार्क्स जो हो वो ग्रेटर हो 50 से तो हमें ग्रेड मिल जाएगी। कंसोल डॉट लॉग हमें ग्रेड मिल जाएगी बी। हमें मार्क्स जो 50 से ज्यादा चाहिए और हम एंड ऑपरेटर का यूज करेंगे एंड एंड, और वो 80 से लेस होने चाहिए तो हमें ग्रेड बी प्रिंट हो जाएगी। और यहाँ पे हम एक एल्स इफ स्टेटमेंट लेंगे, अगर ये कंडीशन ट्रू नहीं होगी तो ये कंडीशन एग्जीक्यूट होगी। तो इसके लिए हम यहाँ पे एक कंडीशन ले लेंगे अगर हमारे मार्क्स 80 से ग्रेटर हो और 100 से लेस हो तो हमें ग्रेड प्रिंट हो जाएगी ए। और ये तीनों भी नहीं है, 100 से ज्यादा मार्क है हमारे तो हम एल्स, और यहाँ पे प्रिंट कर देंगे अपने कंसोल डॉट लॉग से। कंसोल डॉट लॉग रॉन्ग मार्क्स, और फिर ये एग्जीक्यूट कर लेंगे। तो रॉन्ग मार्क्स क्यों आ रहा है अब यहाँ पे, क्योंकि हमने ये कंडीशन क्या लिखी है कि मार्क 50 से ग्रेटर देन हो चाहिए और मार्क 80 से ग्रेटर देन, पर मार्क 40 से लेस हो तो क्या, अगर मार्क जो हो हमारे इसको भी एक एल्स इफ कर देते और फिर यहाँ पे और एक इफ कंडीशन लेंगे और उसके अंदर लिख देंगे मार्क्स अगर हमारे लेस देन 50 हो तो यहाँ पे हम प्रिंट कर देंगे यहाँ पर ई ग्रेड। कंसोल डॉट लॉग यहाँ पे हम ग्रेड सी प्रिंट कर देंगे, सेव कर लेंगे और एग्जीक्यूट कर लेंगे। तो देखो यहाँ पे ग्रेड सी प्रिंट हो गई हमारी। ऐसा क्यों हुआ, अगर 50 से लेस मार्क हो, अगर 35 मार्क हो तो ये एग्जीक्यूट नहीं होगा। ऐसा क्यों होगा, क्योंकि अगर 35 से ज्यादा मार्क हो तब भी ये ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा। मतलब अब देखो हमने इफ कंडीशन एग्जीक्यूट कर ली, 35 से ज्यादा मार्क है तब ये ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा, एल्स वाला पार्ट हमारा एग्जीक्यूट नहीं होगा। तो इसके अंदर भी ये कंडीशन है तो हम क्या देखेंगे, अभी मार्क 50 से हमारे कम है तो हाँ ये कंडीशन एग्जीक्यूट होगा, ये चारों कंडीशन एग्जीक्यूट नहीं होगी। अगर हमारे मार्क 50 से ग्रेटर होते, ये 60 होते तो हमारी ये कंडीशन एग्जीक्यूट हो जाती, क्योंकि 50 से ज्यादा है और 80 से कम है तो हमारे ग्रेड बी हो जाती। अगर हमारे मार्क 90 होते तो हमारी ये कंडीशन एग्जीक्यूट हो जाती, 80 से ज्यादा और 100 से कम तो ग्रेड ए प्रिंट हो जाता। और अगर हमारे मार्क 100 से ज्यादा होते तो हमारी लास्ट कंडीशन प्रिंट हो जाती एल्स वाली कि रॉन्ग मार्क, रॉन्ग मार्क। तो एक सिंपल मेथड से हमने सीख लिया कि नेस्टेड इफ एल्स कैसे यूज करते हैं।